बंधन, आज हम श्रेयोमुषी द्वितीय भागम दशम कक्षाया संस्कृत पाठ पुस्तकम के अंतर्गत जो मैं आपको पाठ पढ़ा चुकी हूँ और आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। जो एक पाठ बचा हुआ था लास्ट का, उसके अनुवाद पूरे हो चुके हैं। आज उसी पाठ के जो प्रश्नोत्तर है मैं आपको पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। चलिए, देख रहे हैं भूकंप विभीषिका है ना, तो ये भूकंप की त्रासदी वाला पाठ है जो मैंने इसके पूरे अनुवाद आप लोगों को पढ़ा दिए थे। आज इसी पाठ के हम प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है एक पद में उत्तर, एक शब्द में उत्तर लिखिए। कस्य दारुणं विभीषिका गुर्जर क्षेत्रम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तित वती। किसकी कठोर त्रासदी ने गुजरात क्षेत्र को खंडहरों में बदल दिया? तो उत्तर क्या आएगा? भूकंपरस, भूकंपस है ना, भूकंपस यानी भूकंप की। ईदृशानि भवनानि धराशायिनी जातानि, कैसे भवन धराशायी हो गए? उत्तर आएगा कि बहुभूमिकानि यानी बहुमंजिले जो इमारतें थी वह क्या हो गई? धराशायी हो गई। दुर्वार जल धारा भी किम उपस्थितम, दुर्वार जल की धाराओं से क्या उपस्थित हो गया? तो क्या हो गया? महाप्लावन दृश्य यानी विशाल बाण का दृश्य। फिर है कस्य उपशमनस्य स्थिरोपाय नास्ति, किसकी शांति का स्थायी उपाय नहीं है? तो यहाँ पर आएगा भूकंपस्य यानी भूकंप की। फिर है ईदृशः प्राणिनः भूकंपेन निहन्यन्ते, कैसे प्राणी भूकंप के द्वारा मारे जाते हैं? तो कैसे? विवशा होने, जो विवश होते हैं। फिर है प्रश्न अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, ये आते हैं पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्नम आसीत्, समस्त देश कैसे उल्लास में मग्न था? तो क्या आएगा उत्तर? समस्त राष्ट्रम नृत्य गीतवादी त्रयाणाम उल्लास में मग्न आसी, समस्त देश नाचने गाने बजाने के उल्लास में मग्न था। भूकंपस्य से केंद्र बिंदु कः जनपद आसी, जो केंद्र बिंदु था वो कौन सा जनपद था? यहाँ पर आएगा भूकंपस्य से केंद्र बिंदु कच्छ जनपद आसी, जो कच्छ था। क्या था भूकंप का केंद्र बिंदु? कच्छ। पृथिव्या स्खलनांक किम जायते, जो पृथ्वी के स्खलन से क्या होता है? तो प्रतिव्या स्खलनात् कंपनम जायते, जो जब पृथ्वी के स्खलन से क्या होता है? कंपन होता है, दिखती है। समग्रम विश्वम कः आतंकितः दृश्यते, समग्र विश्व किसके आतंकित दिखाई देता है? किसके मतलब उसमें आतंकित दिखाई देता है? तो समग्रम विश्वम भूकंप आतंकित दृश्यते, समग्र विश्व भूकंप के द्वारा आतंकित दिखाई देता है। फिर है केशाम विस्फोट विस्फोट कई रफी भूकंपो जाएगी, किनके विस्फोटों से भी भूकंप पैदा होता है? उत्तर आएगा ज्वालामुख पर्वता नाम विस्फोट रफी भूकंपो जायते, ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटों से भी भूकंप पैदा होता है। स्थूल पदानी आवृत प्रश्न निर्माण कुरु, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको मोटे शब्द के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है, तो या तो रेखांकित या स्थूल बनाने की। भूकंप विश का विशेषो विशेषण कच्छ जनपद ध्वंस विशेषेषु परिवर्तति, तो यहाँ पर क्या आएगा प्रश्न निर्माण में? भूकंप विश का विशेषण कच्छ जनपद केसु परिवर्तित, ये प्रश्न निर्माण हो गया केसु से, ठीक है। फिर है वैज्ञानिका कथयंती है प्रतिभा अंतर्गत पाषाण से नाम संघर्षण कंपन जायकर, इसका हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो क्या आएगा कि वैज्ञानिक मतलब कहते हैं कि पृथ्वी के भीतर के चट्टानों के संघर्ष कंपन पैदा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? के यानी कौन कहते हैं? के कथयंती है प्रतिज्ञा अंतर्गर्वे पाषाण संग्राम संघर्ष कंपनम जायते, ठीक है। फिर है विवशा प्राणिनाम आकाशे पिपीलिका इव निहन्यन्ते, प्रश्न निर्माण क्या आएगा कि विवश प्राणी कुत्र पिपीलिका इव निहन्ते यानी कहाँ, विवश प्राणी कहाँ, ठीक है ना। फिर है एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्र में घटता, ऐसी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्र में घटित हुई, अब इसका हमें प्रश्न बनाना है। तो ऐसी मतलब तो इसमें प्रश्न बनता है कि दृश्य यानी कैसी,
ये बन गया। इस प्रकार ये दृश्य भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्र में घटी, यानी कैसी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्र में घटित हुई। कारी तदिदा नी भूकंप कारणम विचारणीयम तिष्ठति, इसलिए आप भूकंप का कारण विचार करने योग्य है। तो यहाँ पर है तादी दानीम किम विचारणीयम तिष्ठति। अब यहाँ पे भूकंप विषय पंच वाक्यमितम अनुच्छेदम लिखत, यहाँ पर है भूकंप के विषय में आपको पांच वाक्यों का अनुच्छेद लिखना। प्रतिज्ञा अंतर गर्भे पाषाण संग्राम संघर्षण भूकंप जायते भूकंप विशेषज्ञ नाम मते ज्वालन पर्वता नाम विस्फोट कई रही भूकंप जायते भूकंपे मिर्चा प्राणा निहन्यन्ते भूकंप से उप मनस्य को अपनी स्थिर उपायना दृश्यते आशांतानी पंच तत्वानी महा विनाशन उपस्थ स्थापयन्ति। अब यहाँ दिया है कोष्टे की सुदत्तेषु धातेषु निर्देशानुसार परिवर्तन विधा रिक्त स्थानी पूर्य, जो कोष्टक में आपको धातु निर्देशानुसार परिवर्तन करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है, ठीक है ना। जैसे इसमें दिया है अलग अलग दिया, समग्र भारत मुल्ला से मांगना भूकंप विशिका कक्ष निष्ठा छड़े प्राणिना ग्रह वीना शांतानी पंच तत्वानी भूतस्य लोक योग क्षेमाभ्याम। फिर दिया है मानवा कार्यस्थानीय बहुभूमिक भवन निर्माण करणीयम नावा नदी वेगेन ग्रामा तद्वरे कार्यस्थान। तो इसमें जो आएगा वो कौन कौन से इसमें आएगा, ये देखिए काशी कृतवती अवन भवंती, फिर यहाँ पर आएगा प्रक्षंती, है ना, फिर यहाँ पर आएगा समा विश्वेशु, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है भरना। फिर संधि संधि विच्छेद, अब यहाँ पर देखिए दिया है परस वर्ण संधि नियम अनुसार परस्वर्ण संधि नियम के अनुसार करना है। जैसे किंच किंभंच नगरंतु नगरंभंतु विपन्नांच विपन्नधन विपन्नम धनच किन्नु किन्धनु भुज न भुज नगरंतु तो भुज नगरम धनतु संचया समधन चय। अब विसर्ग संधि के अनुसार विसर्ग संधि के नियम के अनुसार करना है निम्नानुसार। यहाँ पर क्या आएगा शिव वस्तु शिवशव धनतु विस्फोट विस्फोट रपि विस्फोट धन अपि सहस्रोश अन्य सहस्रशः धन अन्य विचित्रो अयम विचित्र धन अयम भूकंपो जायते देखिए भूकंप जायते तेरे बामन कल्प ए बामन कल्प धन ए। अब यहाँ पर आपको बिलो पदानितयो संयोग करना है। प्रश्न नंबर 7 ये दिया है, ठीक है। तयो संयोग में शब्द दिए खास्तम में विलोम शब्द दिए उनको मिलाएंगे। जैसे ये दिया है संपन्न तो संपन्न का क्या आएगा विपन्न ध्वस्त भवनेशु, है ना, तो ध्वस्त भवनेशु क्या है नवनिर्मित भवनेशु। निसरंती भी का क्या आएगा प्रविश शांति भी निर्माय का क्या जाएगा विनाशाय क्षणे नैव का क्या जाएगा सूचि नहीं। आप देखिए यहाँ कायस्तंभ पदानि दत्तानि समानार्थी तयो संयोग, ठीक है, जो दिए हैं समानार्थक शब्द है उनको मिलाना है, ठीक है। अब इसमें दिया है पहला पर्या पर्याकुलम, ठीक है, पर्याकुलम का क्या आएगा व्याकुलम, विशीर्णम विशीर्ण का आएगा नष्ट, उद्ग्रंथ उद्ग्रंथ का आएगा प्रकट्यंत, विदार विदार का आएगा संत्रोट्य, प्रकुपिताम प्रकुपिताम यहाँ पर क्या जाएगा प्रभु पिताम का प्रभु पिताम, है ना, इसका आ जाएगा क्रोध उत्तम। ये समान अर्थ है, जो शब्द इसका जो अर्थ है उसी के मतलब उसका सहयोगी शब्द जो है, ठीक है ना, उसी अर्थ का। चलिए अब यहाँ पर आएगा उदाहरण अनुसूत प्रकृति प्रत्यय विभाग। अब यहाँ पर आपको क्या करना है प्रकृति और प्रत्यय का विभाग है अलग अलग करना, ठीक है। जैसे यहाँ दिया है परिवर्तित वति परिधन व्रत धन तबतु धनी स्त्री प्रत्यय। आप यहाँ दिया है धृतवान ध्रधन तबतु हसन हसधन श्रुत विशीर्ण विधन श्रोधन ताधन ता प्रचलंती प्राधन चलधन श्रोधन धनी हता हन धन त। आप यहाँ एक और दिया पठक विचित्र समस्त पदानि लिखा पाठ से सुनकर समस्त पद लिखना है महत च तत कंपनम, यहाँ पर जाएगा महाकंपनम दारुण चा सा विभीषिका दारुण विभीषिका,
भस्तेषु च तेषु भवनेषु भस्त है प्राक्तने च तस्मिन् युगे तो प्राक्तन युगे फिर महत च तत् राष्ट्रं तस्मिन् महाराष्ट्रम। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर कक्षा दसवीं विषय संस्कृत जो पाठ था भूकंप विविष्टा वाला उसके प्रश्नोत्तरों को पढ़ाया समझाया, उसके अनुवाद भी पढ़ा चुकी हूँ। अब आपका यहाँ पर कक्षा दसवीं का जो आपका जितने पाठ हैं उनके सब पाठों के अनुवाद प्रश्नोत्तर यहाँ पूरे होते हैं, यहाँ कंप्लीट होता है। बेटा आप लोग अच्छी परीक्षा की तैयारी करें, खूब अच्छे जो प्रश्नोत्तर डाले गए हैं उनको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें समझें और बहुत अच्छे से याद करें। धन्यवाद।